देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वाड सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है एंगल, और पाई की वैल्यू दी है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसमें वैल्यू रहेगी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन के 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 10 इंटू साइन 90, ठीक है। साइन 90 इक्वल टू होता है 1, 4 टाइम्स ये कट जाएगा, 3.14 इंटू 100 अपॉन 4 माइनस 5 50 इंटू 1, 2 से इसे काट दिया मैंने 1.57, तो 2 से ये 50 टाइम्स है। ठीक है, 50 कॉमन 1.57 माइनस 1 यानी कि 50 इंटू 0.757 जीरो 5735 और 5/20 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना। अब दूसरा अगला पार्ट है इसका, इसे रफ करेंगे जल्दी से देखने। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 360 माइनस थीटा। मेजर सेक्टर के लिए 360 माइनस 90 रहेगा, तो 360 माइनस थीटा अपॉन के 360, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 360 माइनस 90 अपॉन 360, 3.14 इंटू 100 इंटू यहाँ पर 270 अपॉन 360, ठीक है। 314 इनका मल्टीप्लीकेशन इंटू 270 अपॉन के 360, इक्वल टू यहाँ पर 314 इंटू 27 अपॉन के 360 तो 36। अब ये 9 से 9 3 या 27 और 4 टाइम्स ये कट जाएगा 314 इंटू 3/4, ये वैल्यू भी काट लीजिए 2 से 157 इस 2, 3, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इनको हल करना है।
कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से करिएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन सही आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। कैलकुलेशन तो किसी भी किस तरह से हल कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं हल करा ही रहा हूँ, पर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन ही डाइट होती है। बाई आर थीटा अपॉन के 180 22 बाई 7 आर की वैल्यू है आपके 22 आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर 21 इंटू थीटा है 60 डिग्री अपॉन 180 थ्री टाइम्स और ये 22 इंटू 21 अपॉन 21 22 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा एरिया सेक्टर का निकालना, तो ये पूरा एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन के 360, ठीक है। 360 डिग्री, तो ये 6 बार तो ये कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स 22 इंटू 3 इंटू 20
21 upon k 6, 2 times 2 say 11 times, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका ये पार्ट आ जाएगा। इधर का रस कर देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट का है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थर्ड पार्ट, सेगमेंट इक्वल जो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 बाय 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए पाई की वैल्यू है 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस 1 बाय 2 21 इंटू साइन 60, ये 6 से काट दिया है मैंने, ये 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, अब बाद में काटेंगे, ये 3 2 जा 6 यानी 22 इंटू 21 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 21 इंटू रूट 3 बाई 2, ये आंसर किया जाएगा यहाँ से 321 माइनस 441 रूट 3 अपॉन के 4 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ये दो वैल्यू निकालनी है आपको, और पाई की वैल्यू इसने दी है पाई इक्वल टू है 3.14 और रूट 3 की वैल्यू है 1.73, ये वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये फिगर बनाता हूं तो मैं देखिए क्या आता है,
ये तो माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये आप माइनर सेगमेंट ही निकालना है। सॉल्यूशन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 बाय 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर ओ ए बी और ये आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू थीटा, आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस 1 बाई 2 15 इंटू 15 इंटू साइन 60। सिक्स बार तो ये कट जाएगा, इसको भी मैंने काट दिया है 2 से 3 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा 1.57 और 5 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी ये वैल्यू आ रही है 1.57 इंटू 75 माइनस 1 बाई 2 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। ये वैल्यू आ जाएगी 4 का डिवाइड कर देता हूं 4 का
जाएगी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो पार्ट ये आ जाएगा, समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। ठीक है, और सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये 3.14 इंटू इसका है 15 × 15 माइनस 20.4375। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, इसे सॉल्व करके अपने आप वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, ओके।